अगर माननीय कोर्ट ने जमानत दी है उनकी हेल्थ को देखते हुए, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। और भी कई अपराधी जो जेल में बंद रहे हैं, वो चाहे अनिल देशमुख हो, माया कोडनानी हो, वसाराव राव हो, पी चिदम्बरम हो, स्टैन स्वामी हो, ये सब हेल्थ के आधार पर इनको पहले जमानत मिल चुकी है। तो कोई नया उदाहरण नहीं है सत्येंद्र जैन की। अगर तबीयत ठीक नहीं है, कोर्ट ने कुछ सोच के जमानत दी होगी, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर अगर उनकी तबीयत खराब हो रही है, और तिहाड़ जेल का प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार का है, तो दिल्ली सरकार इसमें घेरे में नजर आती है। देखिए, सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में है, अनेकों बार उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की उनको जमानत दी जाए। यदि मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको कोई रिलीफ कोर्ट की ओर से दिया गया है, तो ये तो कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करता है। और हम यही चाहेंगे कि सत्येंद्र जैन यदि बीमार हैं, उनका इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, हम यही उनके लिए कामना करते हैं। जो कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, उस पर मेरा कुछ रिएक्ट करना वो वाजिब नहीं होगा। कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।